चलो आज सीखते हैं कुछ नया। क्या सीखने वाले हैं आज? क्लास 12th है यहाँ पर, उसमें समाकलन चैप्टर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तेरा ध्यान किधर है ये तेरा क्वेश्चन इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा क्वेश्चन इधर है। तो जरा देखो इसको ध्यान से। x³ sin 10 इनवर्स x⁴ अपौन में है 1 + x⁸। तो यहाँ पर ध्यान से आपको देखने की जरूरत है, यहाँ पर हम 10 इनवर्स x⁴ को t मानेंगे। तो यहाँ पर मान लिया हमने कि 10 इनवर्स x⁴ को माना क्या है हमने, t, इसको t मान लिया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, 10 इनवर्स x⁴ का जो समाकलन अवकलन करेंगे यहाँ पर, तो अवकलन क्या होगा, 1 + x² होता है तो इसको कर देंगे x⁴, क्योंकि 4 × 2 = 8 हो गया, और x⁴ का जो समाकलन करेंगे तो क्या होगा, आप अपना ऊपर क्या आएगा, 4x³, और ये dx/dt। तो हमें क्या लाना था, x³ / 1 + x⁸, तो ये आ गया, लेकिन ये 4 और भी है तो इसको हम साइड में कर देंगे, 1 + x⁸ dx, ये dt/4 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इसके t के सापेक्ष से समाकलन कर सकते हैं हम इसका। तो यहाँ पर देखिए आप 1/4 तो आगे निकल के आया, और अब यहाँ पर देखिए हमने साइन के जो अंदर थीटा था उसको t मान लिया था, तो ये sin t dt। अब आपको पता होना चाहिए साइन t का समाकलन क्या होता है। तो यहाँ पर साइन x का जो समाकलन होता है वो -cos x होता है। क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन -cos x। क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन -cos x। तो यहाँ पर साइन एक्स का समाकलन -cos x, तो ये यहाँ पर -1/4, और साइन एक्स का क्या होता है, cos x। तो ये cos और t का मान क्या है हमारे पास, ये है 10 इनवर्स x⁴। तो t का मान भी रख देते हैं 10 इनवर्स x⁴ + c, यही आंसर रहेगा।